हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम और टेस्टी होम फूड विद पूनम में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो कि सर्दियाँ आते ही सबको बहुत पसंद होता है। तो हम झटपट बनने वाली रेसिपी आज बनाएंगे आपके लिए। तो बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी है ये। तो चलिए आज बनाते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। तो इसके लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 kg मैंने गाजर लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है धो के अच्छे से छील के, और 1/2 liter मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, और घी ले लिया है मैंने 4 बड़े चम्मच, और इलायची ले ली है मैंने कूट के 1 tablespoon ले लिया है, और 25 ग्राम मैंने आलमंड्स ले लिए हैं चॉप करके, कैशू नट्स ले लिए हैं मैंने 25 ग्राम चॉप करके, और हम इसमें खोया नहीं डालेंगे इसलिए मैंने 3 tablespoon मलाई ले ली है। थोड़ा इसको हम हेल्दी बनाएंगे। और 250 ग्राम मैंने शुगर ले लिया है, 1 bowl लगभग ये 250 ग्राम है। तो सबसे पहले हम गाजर को प्रेशर कुकर में इसको डाल लेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर से ये जल्दी बन जाएगा। और इसमें 1/2 bowl पानी डालेंगे और इसको 2 सीटियाँ लगाने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। तो 2 सीटी हमारी, 1 सीटी आ गई है, दूसरी सीटी भी हमारी आ गई है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे, और इसकी सीटी हट गई है तो अब हमने इसको खोल लिया है। ये गाजर हमारी पक गई है देखिए, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने कढ़ाई में 3 tablespoon मैं घी डालूँगी, तो मैंने इसमें देसी घी ले लिया है ये, और जो हमने गाजर कुक की थी प्रेशर कुकर में उसको हम इसमें डाल देंगे, इसमें छौंक लगा देंगे गाजर का। तो ऐसे प्रेशर कुकर में गाजर कुक करके बनाने से बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है, टेस्टी होता है इसका हलवा गाजर का। तो ये मैंने सारी गाजर डाल दी है घी में, और इसको इसका हम जो पहले पानी सुखा लेंगे, जो इसमें पानी था गाजर में, तो पहले इसका पानी सुखाएंगे इसमें हम। देखिए इसका पानी है कितना, तो सूख रहा है अब थोड़ा थोड़ा। तो लगभग इसको हमें 45 मिनट में ये बन जाता है हलवा, अगर और जैसे हम बिना प्रेशर कुकर के बनाते हैं उसके मुकाबले ये जल्दी बन जाता है। तो देखिए हमारा पानी इसमें सूख गया है। अब इसमें हम मिल्क डालेंगे, 1/2 liter जो हमने मिल्क लिया था फुल फैट मिल्क। अब इस मिल्क को भी हम पकाएंगे इस गाजर के साथ, और इस मिल्क जब ये मिल्क पूरा सूख जाएगा तब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी इसमें मैंने नहीं डाली है अभी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, तो उसको हम बाद में डालेंगे। तो अब मैं इसमें कैशू नट्स डाल दूंगी चॉप किए हुए, तो मैंने इसमें कैशू नट डाल दिए हैं, और ये चॉप की हुई आलमंड्स भी हम मैं अभी डाल दूंगी इसमें। इसको मिला लेंगे अच्छे से, और ये दूध जो है इसको भी हम सुखा लेंगे इसी में। तो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है ये गाजर का हलवा। और अब मैंने इसमें इलायची भी डाल दी है कुटी हुई, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गाजर के हलवे में। तो इसको अच्छे से मिला के चला लेंगे। तो देखिए हमारा दूध भी जो है वो पक रहा है, इसमें कम हो गया है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ अपनी, 250 ग्राम मैंने चीनी ली थी, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अब चीनी डालते ही ये और पानी छोड़ता है, तो चीनी डालने से इसमें देखिए और पानी ज़्यादा दिख रहा है। तो हम इसको भी सुखा लेंगे अच्छे से। तो ये थोड़ा सूख गया है, अब इसमें मैं मलाई डाल दूँगी, 3 tablespoon मलाई डाल रहे हैं इसमें हम, तो थोड़ा हेल्दी हो जाता है इससे ये। तो देखिए इसमें मैंने अच्छे से मिला दी है, और ये भी अब बनने वाला है जो गाजर का हलवा है। सारा मिल्क और इसमें पानी जो है हम सुखा लेंगे अच्छे से गाजर के हलवे में। तो अब ये सूख गया है, इसमें मैं घी, मैंने देसी घी डाल दिया है 1 tablespoon ऊपर से। तो देखिए ये जो गाजर का हलवा है ये तैयार हो गया, इसमें दूध और पानी सब सूख गया है, थोड़ा इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है साइड में। तो ये हमारा इंस्टेंट गाजर का हलवा रेडी हो गया है, अब इसको सर्व करते हैं। तो देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये गाजर का हलवा, बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी भी बन जाता है ये झटपट। तो अगर आपको झटपट गाजर का हलवा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लीजिए, रेडी है हमारा गाजर का इंस्टेंट हलवा, जो कि सर्दियों में सबका ही फेवरेट होता है।
ये रेडी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।